Good morning, students. Today we are going to study class 5th English grammar. Okay, and the first unit is the sentence. First of all, we all know should know what is sentence. Sentence means होता है वाक्य. वाक्य हम लोग किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहेंगे इज ए गुड बॉय राम, ठीक है, तो ये एक दो तीन चार पांच, ये पांच अलग अलग वर्ड्स का ग्रुप हुआ, बट इसका कोई मीनिंग नहीं बना. इट मींस ये सेंटेंस नहीं हुआ. ठीक, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय मींस राम एक अच्छा लड़का है, तो यह एक प्रॉपर मीनिंग हुआ इसका, तो ये एक सेंटेंस हुआ. ठीक है, तो सेंटेंस किसको बोलेंगे? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं. और इंग्लिश में अगर कहें ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. तो वर्ड्स के ग्रुप को हम लोग सेंटेंस करते हैं जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है. ठीक है, तो सेंटेंस जो है अलग अलग टाइप से होते हैं. ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, सबसे पहला होता है assertive sentence. We can call assertive sentence like declarative sentence. ठीक है, इसको हम लोग और देखकर declarative sentence भी बोल सकते हैं. ठीक है, assertive sentence और declarative. What is assertive sentence? A sentence which gives a statement. एक ऐसा sentence जो कि आपको statement देता है. There should not be any question, any negative, or any expression. तो assertive sentence का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो आपको एक स्टेटमेंट दे. एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस विच शोज an advice, an order, a request or permission. तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कि हमें एक एडवाइस मिले, एक ऑर्डर मिले, या फिर परमिशन मिले, या फिर एडवाइस मिले. तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें कि कोई भी चीज का ऑर्डर हो, परमिशन हो, एडवाइस हो, उसको हम लोग कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? You may go now.
ये एक ऑर्डर हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर हम कहेंगे ऑबे योर एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच शोज अ क्वेश्चन इन अ सेंटेंस वेयर अ क्वेश्चन अराइज, उसको हम लोग कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न हो, सवाल हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप कहां जा रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, व्हाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। तो हम इसमें देख रहे हैं एक सवाल क्रिएट हो रहा है, एक प्रश्न क्रिएट हो रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस विच शोज अ फीलिंग एनी एक्सप्रेशन, ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, जिसमें कोई फीलिंग हो, एक्सप्रेशन हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अलास ही इज डेड, ओह वह मर गया। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दुख प्रकट हो रहा है, और डोंट फॉरगेट टू गिव दिस, दिस इज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिस साइन इज मैंडेटरी, ओके। वन मोर एग्जांपल, वी वन द मैच, जब हम खुशी जाहिर करते हैं तो इस तरह का वर्ड बोलते हैं, हुर्रे, वी वन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। देन टुडे वी स्टडी अबाउट द सेंटेंस एंड इट्स काइंड, इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू द सेंटेंस इज ऑफ फोर टाइप्स, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो इन चारों को अच्छे से पढ़ना है और इस पर आपको तैयारी करना है, इसके बारे में जानना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगले चैप्टर। थैंक यू।